वेल स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट का सेवन पार्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या किया है, 10 बटे एक्स जमा वाई जमा में 2 बटे एक्स माइनस वाई। इसमें एक्स और वाई नीचे दिया है, अपॉन में दिया है, बटा में दिया है। हमारे पास पहले जितने भी सम आए थे, इक्वेशन जो बनती थी उसमें एक्स वाई ऊपर होता था, लेकिन इसमें क्या है, नीचे आए हैं। जिसमें नीचे आते हैं हमने क्या करना होता है, इसमें हम मान लेंगे जो भी ये नीचे आया है बटा में जो भी एक्स वाई में फंक्शन है उसी को हम मान लेंगे एक बटा एक्स। स्टार्टिंग में क्या आया है, ये एक्स जमा वाई, इसको हम मान लेंगे एक बटा एक्स जमा वाई को यू मान लेंगे। और नीचे सेकंड में जो आया है एक बटा एक्स माइनस वाई को हमने क्या मान लिया, वी मान लिया, इसको हम यू मान लेंगे, इसको वी मान लेंगे। सेम बात ये है, सेम बात ये है, दोनों में काम चल जाएगा उससे। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले इक्वेशन में 10 बाई एक्स प्लस वाई, 10 बटा x जमा वाई है। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास में कि 10 गुणा में 1 बटा x जमा वाई, ये 10 ऊपर गुणा में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 1 बटा x जमा वाई। इसका मतलब क्या है, 2 गुणा में 1 बटा x माइनस वाई और बराबर कितना गिवन है, 4 दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, 1 बटा x जमा वाई को क्या माना है, u, इट मीन ये जो हमारे पास है इसको हम क्या मान लेंगे, u 10, यहां u का u रहेगा, 10 u जमा में फिर ये 2 और इसको हमने क्या माना हुआ है, इसको v, तो ये आ जाएगा 2v बराबर है 4। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। अगर 2 से कैंसिल करो तो कैंसिल कर दो, यहां तक रुको तो यहां तक भी होगी, यहां से एक इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन में इसमें भी सेम बात है, बताइए 15 के गुणा में ये बात आ जाएगी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 15 u और माइनस में 5 1 बटा x माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 v बराबर है माइनस 2। ये इक्वेशन हमारी सेकंड आ गई, यानी कि हमने क्या किया, जो बटा में हमें नजर आ रहे थे डिवाइड में 1 बाई एक्स प्लस वाई, इसको हमने क्या मान लिया, u मान लिया, और 1 बाई एक्स माइनस वाई को हमने क्या मान लिया, v मान लिया। अब हमारे 10 के बटा में थे, इट मीन 10 गुणा में ये चीज है, तो 10 यू हो गया, प्लस में 2 गुणा में ये है 2 वी हो गया, बराबर है 4। सेम इसी तरह से नेक्स्ट जो इक्वेशन दे रखी है अगली, 5 15 के बटा में एक जमा वाई है तो 15 के यू हो गया, माइनस के 5 बटा एक्स माइनस वाई है, 5 का वी हो गया, बराबर है माइनस में 2। अब ये इक्वेशन है, इससे आप अगर आपको प्रतिस्थापन से लिख रखा है तो आप प्रतिस्थापन से करेंगे, विलोपन से लिख रखा है तो विलोपन से करेंगे, अगर आपको वज्र गुणन विधि दे रखी है तो वज्र से करेंगे, जो भी लिख रखा है तो वही करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी मर्जी है। इन तीनों में से आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। हम मान लीजिए विलोपन विधि लेते हैं, विलोपन में क्या होता है, देखिए एक के गुणांक बराबर करने होते हैं, यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी है, इस वी के गुणांक बराबर करें तो ये 2 है और ये 5 है। अब बराबर करने का मतलब ये तो है नहीं कि हम 2 को मिटोगे 5 कर देंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे हम इसको, हम मल्टीप्लाई देखेंगे, या तो 2 की टेबल में ऐसा कुछ हो कि 5 आ जाए, 2 के बड़े में 5 तो कहीं आता नहीं, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, 5 के इसके साथ कर देंगे, 2 की इक्वेशन 2 के साथ गुणा कर देंगे, मतलब 5 की गुणा इसके साथ और 2 की गुणा नीचे इक्वेशन के साथ। अब ये भी नहीं करते भाई, इस चीज को 5 से गुणा कर दें, इसको 2 से गुणा कर दें, ये तो हमारे घर का रूल तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसमें पूरी एक इक्वेशन लेते हैं, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी अक्षर इस इक्वेशन का छूटना नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को, समीकरण 1 को हमारे पास जो है, समीकरण 1 को 5 से, अब पूरी 1 को 5 से हो जाएगी फिर, तथा दूसरी जो इक्वेशन है उसको हमें 2 से गुणा करेंगे, तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, इनकी गुणा करके विलोपन विधि में हमारे पास एक ही मेथड होता है कि हम या तो पहले वाले के या दूसरे वाले के इनके गुणांक बराबर करें, गुणांक बराबर करने के लिए गुणा देखो किससे करनी पड़ेगी, अब इसको 5 से करनी है तो पूरी इक्वेशन को 5 से गुणा करो, 5 से इसको गुणा करेंगे कितने आ जाएगी, 50 भी हो गया जमा का 10 भी हो गया बराबर है 500 का 20। ये ध्यान रखें कोई भी छूटना नहीं चाहिए, बच्चे क्या करते हैं इन दोनों को कर देंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ दिया तो भाई नाराज हो जाएगा, ये तो नाराज हो गया तो गलत हो जाएगा सब, इसलिए क्या करना है आपने पूरी इक्वेशन को 5 से गुणा करना है, फिर इसको भी ऐसे ही समीकरण 2 को 2 से गुणा करें तो पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करें, 2 से गुणा करेंगे 15 दूनी 30 u माइनस का 10 v बराबर है माइनस का 4। अब आपके पास देखो v के गुणांक दोनों ही यहाँ पे, एक 10 यहाँ पे है एक 10 यहाँ पे है, गुणांक हमारे बराबर है, गुणांक बराबर है तो क्या करते हैं उसके निशान अपोजिट करते हैं, उल्टे सुलटे करते हैं। देखिए यहाँ अगर प्लस माइनस नहीं हो तो हमें करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें घटाना पड़ता है, अगर पहले ही प्लस माइनस हो तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या होगा, जिसके निशान उल्टे सुलटे हो गए गुणांक बराबर हो गए वो कैंसिल हो जाएंगे, 10 भी से 10 भी कैंसिल हो गया, अब कितना बच गया, 50 और 30 को जोड़ा कितना आ गया, 80 यू बराबर है 20 में से 4 गया कितना हो गया 16, तो यू का मान हमारे पास कितना आ गया
16 बटे में 80 जो यहाँ गुणा में है उधर जाके भाग में हो जाएगा, कैंसिल कर दें 16 एवं 16, 16 पंजे 80, तो u का मान हमारे पास कितना आ गया 1/5। अब u का मान आया है, अब क्या निकालेंगे v का मान। v का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, आपकी मर्जी है। तो हम u का मान समीकरण 1 में रखने पर v का मान निकालेंगे। u का मान समीकरण 1 में रखने पर u का मान जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर 1 में देखिए वे क्या है हमारी समीकरण 1 को लिखना शुरू करें और जहां भी u आए उसकी जगह 1/5 लिख देंगे। 10 u की जगह 1/5 जमा में 2v और बराबर है 4। हल कीजिए इसको, 5 से काटा 5 में 10 हो गया, ये 2 बच गया, 2 को उठा के उधर ले जाइए, 2v बराबर है 4 माइनस में 2, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो v का मान आपके पास कितना आ गया 2/2 हो जाएगा, 2/2 a, तो v हमारे पास 1 आ गया और u हमारे पास 1/5 आ गया। लेकिन u और v तो हमने माने हैं, सवाल में तो कहीं u v है ही नहीं, तो फिर आंसर हमारा ये कहां, ये आंसर नहीं बनेगा। हमारा u और v जो मानना है उसको इनके बराबर रखेंगे। क्या मानना हमने, यहां देखिए अब 1/x जमा y को u मानना है, अब u की जो वैल्यू आई है वो इसके बराबर रख देंगे। क्या 1/x जमा y जो हमारा u आया है और u का मान है 1/5, इसको 1/5 के बराबर रख देंगे। बराबर रखेंगे तब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए एक्स जमा वाई ऊपर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो ये एक इक्वेशन हमारी थर्ड इक्वेशन एक्स जमा वाई बराबर है 5। अब इसी प्रकार v का मान रखिए 1, v आपको क्या मानना है 1/x - y, 1/x - को आपने v माना है और v की वैल्यू आपकी 1 आई है, 1 रख दिया, 1 का मतलब 1/1 कर सकते हैं। अब इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगी, x - y बराबर 1, दैट इज इक्वेशन 4। ये दो इक्वेशन आगे हमारे पास हुई, इन दोनों को एक बार फिर से छोटी सी इक्वेशन है फिर से हल कर देंगे। 3 और 4 को देखिए y के गुणांक सेम है 1-1, निशान भी अपोजिट है, जोड़ देंगे तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर यहां से हमारे पास xy का मान आ जाएगा। समीकरण 3 व 4 को जोड़ देंगे, 4 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो हमारे पास गुणांक बराबर है, निशान उल्टे उल्टे हैं, तो जोड़ दीजिए इनको, x जमा y बराबर है 5, x - y बराबर 1, जोड़ेंगे तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x, 5 और 6 हो जाएगा, x के ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 से कैंसिल 3 आ जाएगा, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3। अब हमारे पास आंसर जो है xy में निकालना था, तो x का मान 3 आ गया, x का मान वापस को उसी इक्वेशन में हम रखेंगे, 4 में रखा 3+y = 5 आ गया, y = 3 को उठा के उधर ले जाइए, 5 - 3 कितना आ जाएगा 2, तो y हमारे पास = कितना आ गया 2। तो ये इक्वेशन जो आपको नीचे x + y में दे रखी हो उनको क्या करेंगे आप u और v में मान लेंगे, पहले उनको u और v की इक्वेशन से हल करेंगे और फिर वापस इनके अंदर पुट करेंगे, जो xy में इक्वेशन बन जाएंगी उनको फिर थोड़ा सा और हल करना पड़ेगा, हल करने के बाद हमारे पास x और y का मान आ जाएगा।